रायगढ़ में पेयजल समस्या को लेकर नगर निगम के चार वार्डों के लोगों ने पार्षदों के साथ आज नगर निगम कार्यालय का घेराव कर मुख्य कार्यालय के गेट पर ताला लगा दिया और धरना प्रदर्शन किया। लोगों की शिकायत थी कि बीते चार दिनों से उनके घर के नलों में पानी नहीं आ रहा है। नाराज लोगों का आरोप था कि बार बार शिकायत के बाद भी निगम के अधिकारी पेयजल समस्या को लेकर गंभीर नहीं थे, इसलिए उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष पूनम सोलंकी ने बताया कि पानी की कमी से पूरा क्षेत्र जूझ रहा है। अमृत मिशन योजना के तहत 2400 घंटे पानी देने की बात कही गई थी, लेकिन अब मुश्किल से आधा घंटा ही पानी दिया जा रहा है, इससे पेयजल की समस्या हो गई है। क्योंकि जो मूलभूत समस्याएं होती हैं उसमें से सबसे ज़्यादा जो जरूरी होती है महिलाओं के लिए विशेष रूप से वो होता है पानी। घर का एक काम नहीं हो पाता और आज ये अमृत मिशन के नाम पे जो 24 घंटा पानी देने की बात कहे थे बमुश्किल ये आधा घंटा ही पानी देते हैं। कई जगह अभी तो कनेक्शन ही लगे हैं और इन्होंने बोर वहाँ से हटा दिया है, तो कई जगह ऐसे हैं जो पानी के लिए त्राही त्राही मचा हुआ है। पिछले 7 महीने से हमारे द्वारा लगातार ज्ञापन दिया गया कि हमें पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम के उपयंत्री एके लोहिया ने बताया कि पेयजल व्यवस्था सुधारी जा रही है, विद्युत आपूर्ति बाधित होने के कारण कई बार पेयजल आपूर्ति प्रभावित होती है। अभी व्यवस्था सुधारी जा रही है और व्यवस्था तो अभी बीच में लाइट गोल होने के कारण से कुछ परेशानी हुई, कल जो पानी लाइट गोल थी इस कारण पानी कम कहीं आया है, लेकिन अभी व्यवस्था सुधार रहे हैं और सभी इंजीनियरों को दो दो वार्ड भेजे जा रहे हैं और वार्ड भी हमने पाइपलाइन में भी प्रशासनिक व्यवस्था कर चेंज कर रहे हैं। अब बोर को जहाँ जरूरत है वहाँ निकाला, बाकी जो जाके जहाँ जरूरत है वहाँ बोर फिर लगा देंगे, लेकिन क्या है कि बोर की अभी पाइपलाइन डैमेज हो गई है, यदि बोर फिर पानी लगाएंगे तो पाइप पानी नहीं जाएगा क्योंकि नई पाइपलाइन बिछ गई है, तो जो पुराना बोर है पुराने पाइपलाइन जुड़ा नहीं है। यदि पुरानी पाइपलाइन में हम जोड़ भी देंगे चालू भी करेंगे तो पुरानी पाइप में नए पाइप में पानी नहीं जाएगा उससे। वहीं कांग्रेस पार्षद विनोद महेश ने आरोप लगाया कि अमृत मिशन योजना शहर में पूरी तरह से विफल हो चुकी है।